हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट टू शेल्टर, आश्रय का अधिकार, दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें राइट टू शेल्टर की यहाँ पे, कि कैसे यहाँ पे संतुलन बना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस बताया किसके बीच में। ये हल्द्वानी का केस है कि वहाँ पे जो रेलवे की जो लैंड थी उस पर लोगों ने जो है कब्जा कर रखा था, अवैध कब्जा, इलीगली ऑक्यूपाई कर रखी थी रेलवे लैंड। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई ये किसकी ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है। ठीक है, मतलब पब्लिक जो है, पब्लिक लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड है। तो वहाँ पे जो लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा था स्पेस, उसको वहाँ से उन लोगों को क्या करा गया, हटाया गया। ठीक है भाई, राइट टू शेल्टर का मतलब क्या है, सबके पास ज़मीन होनी चाहिए, पर ये नहीं कि आप इलीगली जो है तरीके से आप कहीं रहेंगे। अगर वो लैंड किसकी है, गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट यूज़ के लिए है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का ही अधिकार है, आम जनता का अधिकार नहीं है। और कोर्ट ने आगे ये भी बोला कि ये जो ऑर्डर है इसको मिस इंटरप्रिटेट ना किया जाए, और ये बोला गया कि फ्यूचर में भी ये जो है कि ये बोला गया कि सार्वजनिक भूमि पर जो है पब्लिक जो लैंड है उस पर अतिक्रमण नहीं होगा। ठीक है, नहीं किया जा सकता कि आप फ्यूचर में आप सोचें कि आप फ्यूचर जो पब्लिक लैंड है उस पर इलीगली तरीके से आप रह सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो राइट टू शेल्टर इंडिया में अगर हम बात करें, किस आर्टिकल में, भारत का जो संविधान है उसमें इसके में किस में बताया गया है, आर्टिकल 21 में इसके बारे में है। अब इसका मतलब क्या राइट टू शेल्टर का, कि सभी सिटीज़न की पहुँच हो एक एडुकेट हाउसिंग, भाई सभी का अधिकार है कि उसके पास जो भाई वो जहाँ रह रहा है वो एक अच्छी जगह हो। ठीक है, जो जहाँ पे वो डिग्निटी के साथ अपने जीवन जी सके। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं उसके सर पे छत हो, ठीक है, कि उसके सर पे भाई एडुकेट प्राइवेसी भी होनी चाहिए, स्पेस भी होना चाहिए, भाई वो जहाँ रह रहा है सिक्योरिटी, लाइटिंग, वेंटिलेशन, सब चीज़, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सारी चीज़ भाई जहाँ वो काम कर रहा है उसके आसपास जो है काम भी अवेलेबल हो, यानी कि रह तो रहा है लेकिन उसको काम के लिए दूर जाना पड़ रहा है। ठीक है, सामाजिक सुविधा जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको आसपास अवेलेबल हो, इसमें राइट टू शेल्टर में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव करे हैं लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करने में। प्रधानमंत्री आवास योजना लेके आए, ठीक है, जिसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम थी गवर्नमेंट के द्वारा, जो फैसिलिटेट करती है कि आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है, सभी की पहुंच हो, लो और मॉडरेट इनकम रेजिडेंट जो लोग हैं कंट्री के अंदर उनके लिए। फिर आया नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड, ठीक है, FIA प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को कि वो इम्प्लीमेंट करें हाउसिंग स्कीम, लोगों के लिए हाउसिंग स्कीम लेके आए। फिर आता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका एम था रिड्यूस करना पॉवर्टी, गरीबी को, और एनेबल करना जो पुअर हाउस होल्ड है कि उनके पास भाई क्या हो, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, स्किल्ड वेजेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनके लिए अवेलेबल कराना भाई, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सकें। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, इसका फोकस था प्रोवाइड करना लोगों को शेल्टर, भाई जो भी उनको एसेंशियल सर्विस चाहिए, जो भी अर्बन होमलेस लोग हैं शहरों में जो रहते हैं उनके पास घर नहीं है, सब चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करना है। स्लम रिहेबिलेशन अथॉरिटी स्कीम, इसमें ये एक्टिव थी महाराष्ट्र में, इस स्कीम के अंदर जो जो भी स्लम एरिया में रह रहे हैं लोग, ठीक है, उनको प्रोवाइड करना हाउसिंग, ठीक है, उनको पुनर्वास करना, भाई वो झुग्गियों में रह रहे हैं तो उनको एक सही जगह पर जो है घर प्रोवाइड करना। फिर कुछ लॉज भी बनाए गए हैं राइट टू शेल्टर में भारत के अंदर, स्लम एरिया एक्ट 1956, तो यहाँ पे भाई क्लियर करना स्लम एरिया का जो लोग भाई सब, सिर्फ ये नहीं है कि उनको घर प्रोवाइड करना, अच्छी लोकेलिटी भी होनी चाहिए, साफ़ सफाई भी होनी चाहिए, तो सेफ्टी रिस्क को लेकर तो गवर्नमेंट ने क्लियर करे स्लम एरिया, इन केसेस में जो है रीडेवलपमेंट प्लान लेके आए गए और लोगों को जो है एक बेटर हाउसिंग जो है प्रोवाइड की गई, ठीक है, एक ड्यूरेबल स्ट्रक्चर के साथ। फिर आता है स्केड्यू जो है शेड्यूल ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स एक्ट 2006, ये प्रोवाइड किया, इसने प्रोवाइड किया भाई लोगों को राइट टू होल्ड, ठीक है, कि उनका अधिकार है वो जो भी जहां वो रह रहे हैं, जो भी कहां रह रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, कि वो रह सकते हैं फॉरेस्ट के अंदर, जो भी इंडिविजुअल या कॉमन ऑक्यूपेशन है उनका जो वहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पे सरकार ने ऑर्गेनाइज़ किया राइट जो भी फॉरेस्ट में कम्युनिटी रहती है कि वो फॉरेस्ट का जो भाई जो भी फॉरेस्ट में अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज उनका वो यूज़ कर सकते हैं और उन्हें मैनेज भी करना है उन्हें, ठीक है, यानी कि उनका भाई यूज़ कर रहे हैं सही तरीके से उनको यूटिलाइज़ करना है। फिर आता है रियल एस्टेट एक्ट 2016, ये इसने रेगुलेट करा रियल एस्टेट सेक्टर को भाई, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, टाइमली डिलीवर हो हाउसिंग प्रोजेक्ट की, भाई उन्होंने बोला है
कि हम आपको इतने साल में या इतने टाइम में आपका जो है आपको हाउस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में भी ऐड आते रहते हैं, जो बहुत सारी सोसाइटीज़ वगैरह बनती हैं। तो यहाँ पे ये एक्ट किस लिए लाएगा, जो होम बायर्स है, जो लोग खरीद रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। भाई जो भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं मैनेज कर, भाई यहाँ मैंडेटिंग की गई कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और यहाँ पे जो है अगर किसी के भाई किसी ने अपना बुक कराया है अपने लिए घर और उसको नहीं मिला तो यहाँ शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं वो। तो ये अधिकार दिया गया। फिर आया राइट टू फेयर कंपनसेशन और ट्रांसपेरेंसी, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलेशन और रीसेटलमेंट एक्ट 2013 का, ये इसमें इंक्लूड था जितने भी डिटेल प्रोविज़न है रीसेटलमेंट और रिहेबिलेशन के लिए। ठीक है, जो अफेक्ट करते हैं किसको, लैंड एक्विजिशन को। अब इसमें इंश्योर किया गया जो डिस्प्लेस फैमिली है वो रिसीव, भाई जिनो जो फैमिली क्या हो गई हैं डिस्प्लेस हो गए, उनका भाई घर जो है वो उनसे छिन गया है कुछ भी, उनको रिसीव करना, उनको फैमिलीज़ को रिसीव करना सपोर्ट कि वो रीअलोकेट हो सके, रीबिल्ड करना उनकी लाइफ को। ठीक है, जिसमें हाउसिंग भी इंक्लूड थी। फिर लास्ट है हमारा मॉडल टिनेंसी एक्ट, तो इसके अंदर किस किस को है प्रोटेक्ट करना, किसके इंटरेस्ट को, लैंडलॉर्ड्स को भी और टिनेंट्स के भी, दोनों को ही। ठीक है, तो जो भी उनके बीच में डिस्प्यूट है और जो जो दोनों को प्रोटेक्ट करे, भाई हमेशा टिनेंट के लिए नहीं होगा, लैंडलॉर्ड को भी जो है उसका भी, उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, कि कुछ अधिकार जो है लैंडलॉर्ड के हैं, कुछ टिनेंट के हैं। तो ये यहाँ भाई हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।